नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज सच में बोनस के बादशाह के बारे में, रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी को मैं बहुत पहले से फॉलो करता हूं, हालांकि वीडियो कंटिन्यू नहीं बनाता हूं, लेकिन जब भी बोनस अनाउंसमेंट कोई कॉरपोरेट बड़ा एक्शन आता है तो इस पे वीडियो जरूर बनाता हूँ, और इसी चैनल पर भी बनाता हूँ और अन्य चैनल पर भी बना देता हूँ। अब ये कंपनी में आज आया है बहुत बड़ा सा मोमेंटम। अब इस बड़े मोमेंटम के पीछे का मैं कारण ढूंढने के लिए गया तो कोई मुझे वैसा परफेक्ट कारण नहीं दिखा, लेकिन वैसे अगर मानेंगे हम लोग तो कई सारा कारण देखने के लिए यहाँ पे मिला है। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो आज इसमें जो है फ्लैट ओपनिंग हुई थी, मतलब रात वत की कोई न्यूज नहीं है, क्योंकि 10 रुपये 30 पैसे पे क्लोज था, 34 पे ओपन हुआ। बाद में मोमेंटम पकड़ा, 12 रुपये 36 पैसे तक का हाई बनाया, और फिर से जो है यहाँ पे जो है कंसिडर कर रहा है 11 रुपये 20 पैसे के आसपास। ये वाले लेवल लगभग कह लें 10 बजे के आसपास इसमें जो है एक बड़ी सी तेजी देखने के लिए मिली है, बड़ी सी खरीदारी देखने के लिए मिली है। देखिए अगर इसका हम लोग देखेंगे तो लास्ट अपडेट 19 जुलाई 2024 का आया है, मतलब कोई हाल फिलहाल का अपडेट ऑफिशियल है नहीं। अगर ऑफिशियल अपडेट होगा भी और कंपनी नहीं दिया है तब तो NSE और BSE बजाएंगे बाजा कि भाई सबसे कोई भी न्यूज पहले आ रही है तो पहले एक्सचेंज को दीजिए, ऐसा नहीं कि नहीं पब्लिक को पता चल जाए, सबको पता चल जाए और एक्सचेंज को बाद में पता चले, तो ये तो पहले गलत काम हो जाएगा। तो मतलब कोई न्यूज है ही नहीं, ठीक है ना? नहीं तो कंपनी सबसे पहले एक्सचेंज को बताती, समझ में आ गया? अब चलिए दूसरा देखते हैं। बात करेंगे तो आज 115 नंबर ऑफ लास्ट डी देखने के लिए मिला है, मतलब डिमांड सप्लाई का जो रूल काम करता है ना वो हुआ है, बड़ी बड़ी खरीदारी हुई है। जैसे कि अगर आप लोग देखोगे 12:15 पे अभी 2.5 करोड़ के शेयर खरीदे गए हैं, उसके बाद यहाँ पे 95 लाख, 30 लाख, 30 लाख, 50 हज़ार, 70 लाख, यहाँ पे देखिए 1.25 करोड़, 1.25 करोड़, 1 करोड़, यहाँ पे देखिए 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, कितना सारा है। यहाँ पे देखिए 11:27 पे 5.5 करोड़ के, फिर से जो है 50 करोड़, 50 मतलब 50 लाख, 50 लाख, 1.25 करोड़, इस तरह से कई सारे, यहाँ पे देखिए 1.25 करोड़, नीचे के साइड में आप लोग देखोगे 2-2 करोड़ के कई सारे दिख जाएंगे आप लोगों को। यहाँ पे देखिए 2.5 करोड़ यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे फिर से 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ कह लीजिए उसको। तो इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हुई है। अगर इस 115 नंबर ऑफ लार्ज जिनको हम लोग सीधा सीधा 100 करोड़ भी कह लें तो 100 करोड़ रुपए के शेयर केवल लार्ज डील में ट्रेड हुए हैं, बाकी फुटकरिया वाले छोड़ दीजिए, जो हम लोग 10,000, 5,000, 20,000, 50,000, 10,000, 2,000 के ट्रेड करते हैं वो अलग छोड़ दीजिए, उनका तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। पहली न्यूज ये मेरे हिसाब से समझ में आ रही है। अब देखिए अगर रिजल्ट की बात करो कि रिजल्ट आने वाला है कि नहीं, तो देखिए अभी इसका कोई मीटिंग नहीं शेड्यूल है, फिलहाल में इसका रिजल्ट अभी नहीं आने वाला है, रिजल्ट का डेट ही नहीं आया है कुल मिला के कहें तो। शेयर होल्डिंग पैटर्न का डाटा आया है जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी घटती हुई नज़र आ रही है, और वहीं पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इसको भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना? बाकी अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो इसका फंडामेंटल तो 1655 करोड़ का मार्केट कैप है, 11 रुपये 20 पैसे करेंट प्राइस, 16 रुपये 80 पैसे का इसका जो ट्रेड कर रहा है हाई है, और 10 रुपये का लो है, 56 की PE पे मिल रहा है, 2 रुपये 22 पैसे 26 पैसे इसका जो है बुक वैल्यू है। इसी तरह से ROE देखेंगे तो 12% से 10% है, अर्निंग पर शेयर बहुत कम है, 20 पैसे है, 145 करोड़ का डेट है, 181 करोड़ का रिजर्व देखने के लिए हम लोग को मिला है। अब बोनस का बादशाह मैं इसीलिए इसको बोला ना, और आज वॉल्यूम देखिए, नॉर्मल इसमें 4 करोड़ 5 करोड़ वॉल्यूम ट्रेड होता था, लेकिन आज कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है पता है आप लोगों को? 14 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं, 4 करोड़ और 14 करोड़, भाई 3 गुना का लगभग लगभग अंतर है, और अगर पिछले ट्रेडिंग सेशन से लेंगे तो 2 करोड़ ट्रेड था, मतलब 7 गुना 8 गुना वॉल्यूम इसका बढ़ चुका है। ये इसमें जो है तेजी का कारण है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है सप्लाई कम है, इस वजह से रिटर्न कुछ खास नहीं दिया, 1 वीक में 10% तेजी है, और ये इसी तेजी का जो है रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। इस कंपनी ने बोनस दिया, एक्चुअल में बोनस की राजा यही है, 4:1, 4:1, 2:1, बड़े रेशियो में कंपनी बोनस देती है, 2023 में भी दी थी, 24 में भी दी है, और उम्मीद है कि 25 में भी देगी। तो कंटिन्यू 2-3 साल से कंपनी बोनस हम लोग को देती आ रही है,
23-24 में बोनस दी थी, उसके बाद 16 में दी थी, उसके बाद 16 में स्प्लिट भी दी थी और 22 में भी, मतलब 22, 23, 24 3 साल से लगातार बोनस स्प्लिट दे रही है और 25 में भी ये देने वाली है, देगी मुझे कंफर्म है, ठीक है ना। देख लीजिएगा, ठीक ठाक कंपनी है, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए तो बिंदास इसमें खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए इसमें करना क्या चाहिए, करना चाहिए अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो भी खरीदारी कर सकते हैं। बड़ा सा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, एक रेड कैंडल के बाद तुरंत बड़ा वॉल्यूम, बहुत ज़बरदस्त है। इसी रेड कैंडल के, ग्रीन कैंडल के लो के नीचे का आप लोग स्टॉप लॉस फॉलो करोगे, जो प्राइस के वाइज से देखेंगे तो 10 रुपये 35 पैसे आ रहा है, लेकिन आप 10 रुपये का स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए इसमें अभी खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट आपका 13.5 रुपये के आसपास का रहने वाला है फिलहाल के लिए, नहीं तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो फिर आपको इस तरह से दिखाना पड़ेगा, इस तरह से। बहुत दिन से शेयर जो है कंटिन्यू मोमेंटम में है और ये एक रिटेस्टमेंट आया था, जिसने यहाँ पे खरीदा होगा उसको अच्छा खासा फिर से रिटर्न मिला, फिर से एक रिटेस्टमेंट आ रहा है और इसी रिटेस्टमेंट पे आप लोग फिर से खरीदारी करके लंबे टाइम फ्रेम में इसमें जो है 24 रुपये 25 रुपये 30 रुपये तक का टारगेट ले सकते हैं। इसमें आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए जो खरीदारी करना है तो उसके लिए लगभग लगभग 7 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा, याद रखिएगा 7 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि 8 रुपये तक तो संभावना है ही कि 10 रुपये ब्रेक करेगा तो आ जाएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग वाले 10 रुपये के नीचे का और लॉन्ग टर्म वाले 7 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए इसमें सीधा सीधा वहीं 24 रुपये के टारगेट के लिए आप लोग खरीदारी करोगे, ठीक है ना। देख लीजिएगा, दोनों अपना व्यू बता दिया हूँ, बाकी लाइक करिएगा, आगे भी इसकी वीडियो मैं बनाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।